फ्रेंड्स, अगर आपका भी तेज़ी से हेयर फॉल हो रहा है, आपके सर पर बेल्ट पैचेस की प्रॉब्लम है या फिर एलोपीसिया की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आपके बालों को नॉर्मल रूटीन से हटकर एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। जिन लोगों का हेयर फॉल ज़्यादा होता है, बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ती है, फ्रेंड्स, उनके लिए आज मैं एक बहुत ही नेचुरल ट्रीटमेंट शेयर कर रही हूँ, जिसको अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी। साथ ही अगर आपको बेल्ट पैचेस की प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि जो भी ट्रीटमेंट नेचुरल ट्रीटमेंट होता है उसको आपको पेशेंटली फॉलो करना होता है। ये नहीं आपने एक दो बार लगाया और आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको रेगुलर फॉलो करना है, कम से कम 2-3 महीने दीजिए एक ट्रीटमेंट को, जिससे कि आपको उसका रिजल्ट देखने को मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें लेना है एक कटोरी में गर्म पानी। आपको गर्म पानी लेना है और उसके अंदर आपको डालना है एक ग्रीन टी बैग। कोई भी ग्रीन टी जो आप घर में यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर एक ग्रीन टी बैग लिया है। अब इसको हम पानी के अंदर डिप कर देंगे। दोस्तों, ग्रीन टी में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। ग्रीन टी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके DTH को होल्ड करती है, यानी रिप्रेस्ड करती है। DTH यानी जो कि मेन रीज़न होता है मेन और वुमेन में बालों के झड़ने का, उसको रिप्रेस्ड करती है, होल्ड करती है, जिससे आपका जो हेयर लॉस है वो कंट्रोल होता है और साथ ही नए बाल उगाने में हेल्प मिलती है। तो अभी हम इसको साइड पर छोड़ देते हैं। इसके बाद हमें लेना है एक फ्रेश एलोवेरा लीफ। आपको फ्रेश एलोवेरा ही लेना है इसके लिए और इसका जेल निकाल करके आपको इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। मिक्सी में एलोवेरा जेल को ग्राइंड करने के बाद में एक कॉटन के कपड़े की हेल्प से या किसी छन्नी की हेल्प से आप इसको छान लीजिए, जिससे कि एक स्मूथ जेल हमें मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कॉटन के कपड़े से अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है, स्वीज कर लिया है और ये बहुत ही स्मूथ कंसिस्टेंसी का जेल हमें मिल गया है। इसी तरह का जेल आपको लेना है। इसके बाद जो ग्रीन टी वाटर हमने रेडी किया है, हम इसमें 4 चम्मच ग्रीन टी वाटर ऐड करेंगे। 4 टीस्पून आपको ग्रीन टी वाटर इसमें ऐड करना है। दोस्तों, एलोवेरा की एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ आपकी डैंड्रफ को ख़त्म करती है, आपकी इची स्कैल्प को कंट्रोल करती है, साथ ही आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ती है। तो अब ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद में आपको जो थर्ड और फाइनल इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है वो है विटामिन ई कैप्सूल्स। आपको 2 विटामिन ई के कैप्सूल लेने हैं और इसका ऑयल निकाल करके इसमें ऐड करना है। ये कैप्सूल आपको केमिस्ट शॉप पर आराम से मिल जाएंगे। विटामिन ई ऑयल भी आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके बालों की फ्रिजनेस को ख़त्म करता है और साथ ही आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। तो अब इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इस तरह से आपका एक बहुत ही बढ़िया हेयर टॉनिक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में भर करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे और कब अप्लाई करना है। जब भी आपको हेयर वॉश करना है उससे 1 रात पहले आपको अपनी हेयर स्कैल्प में इसको अच्छे तरीके से लगा लेना है और बालों की जड़ों में इसको अच्छे से मसाज करना है। पूरी हेयर लेंथ में इसको अप्लाई करना है और अगर आपके सर में बेल्डनेस है तो भी आप अपनी पूरी स्कैल्प में इसको अच्छे से लगाइए और पूरी रात के लिए इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे आपको प्लेन वाटर से हेयर वॉश करना है, शैम्पू यूज़ नहीं करना है। इस ट्रीटमेंट को चाहे तो आप डेली कर सकते हैं या वीक में 2 से 3 बार कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले इस ट्रीटमेंट को आप ज़रूर करें। 1 वीक के अंदर ही आप देखेंगे कि आपका जो हेयर फॉल है वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा और रेगुलर यूज़ करने से आपके बेल्ट पैचेस भरने लगेंगे और आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। बहुत ही अच्छा हेयर टॉनिक है, इसको ज़रूर बना करके ट्राई करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।